धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हिमालय की गोद में बसा हुआ उत्तराखंड राज्य एक लंबी सीमा भारत के परंपरागत विरोधी देश चीन के साथ लगती है। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण उत्तराखंड के कुमायूं मंडल तक सेना को शीघ्र पहुंचाने के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी ये विषय अति महत्वपूर्ण है। ग्वालियर से भिंड, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बरेली होकर टनकपुर या हल्द्वानी तक एक नया एक्सप्रेसवे अति आवश्यक है। तीन राज्यों को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे लगभग 450 किलोमीटर लंबा होगा। निम्न कारणों से ये एक्सप्रेसवे अति आवश्यक है। नंबर एक, सामरिक दृष्टि से ग्वालियर छावनी, झांसी छावनी, आगरा छावनी, फतेहगढ़ छावनी, बरेली छावनी सीधे जुड़ जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर चाइना बॉर्डर तक शीघ्र से पहुंची सेना हमारी पहुंच सकती है। नंबर दो, इस एक्सप्रेसवे पर 2 या 3 हवाई पट्टी बनाई जा सकती हैं। बरेली के बेस कैंप के अतिरिक्त भी आपातकालीन हवाई पट्टी का लाभ मिलेगा। नंबर तीन, ये एक्सप्रेसवे दिल्ली झांसी हाईवे, आगरा मुंबई हाईवे, दिल्ली आगरा कानपुर को जोड़ने वाला NH2 और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, GT रोड तथा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे, सहारनपुर बरेली लखनऊ हाईवे और हिमाचल की तलहटी पर बनने वाले पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत हाईवे को जोड़ने का कार्य करेगी। आपातकालीन की स्थिति में हाईवे या एक्सप्रेसवे एक दूसरे हाईवे के एक्सप्रेसवे पर जाना बहुत आसान होगा। उत्तरा नंबर चार, उत्तराखंड के कुमायूं मंडल व पलिया के नेशनल पार्क में पर्यटन की संभावना को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। नंबर पांच, बौद्ध तीर्थस्थल संकिसा, महाभारत कालीन प्राचीन राजा द्रुपद की राजधानी एवं जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल कंपिल, बाबा नीब करोरी धाम की तपोभूमि नीब करोरी तथा कैंची धाम पूर्णागिर देवी जो नैनीताल के पर्यटकों की भी संख्या में भारी वृद्धि होगी। नंबर छह, मध्य प्रदेश की चंबल क्षेत्र में बसे भिंड, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, पीलीभीत जैसे अति पिछड़े जनपदों व उत्तराखंड के में विकास की नई संभावनाओं व रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो गए। इसलिए महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है, एक ये नया एक्सप्रेस वे बनाया जिससे क्षेत्र की जनता का भला हो सके और तीन राज्यों को जोड़ने में बहुत आसानी हो सके। जय हिंद, जय भारत।